नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और फिर से हम हाजिर हैं आज 25 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर के। और आज हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले, जैसा कि हमेशा की तरह, हम पिछले वीडियो में एक सवाल देते हैं आपको, जिसके आंसर के लिए हम कमेंट्स बॉक्स में गुजारिश करते हैं। सभी मित्रों ने उसके जवाब दिए हैं और लगभग सभी के जवाब सही हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कल का प्रश्न आपके लिए क्या था। तो मित्रों, हमारा कल का प्रश्न जो था आपके लिए कि कुटुंब श्री क्या है, व्हाट इज द कुटुंब श्री। चार ऑप्शंस दिए थे, स्वयं सहायता समूह है, नेटवर्क प्लानिंग है, सरकारी वित्तीय सहायता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है स्वयं सहायता समूह। कुटुंब श्री स्वयं सहायता समूह है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी हालिया केरल की यात्रा के दौरान देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुंब श्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कुटुंब श्री के 25 साल पूरे होने का जश्न कुटुंब श्री की रजत जयंती मनाने वाले कार्यक्रम ने इसकी उपलब्धियों का आकलन करने, इसके सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता की जांच करने और भविष्य के सतत विकास लक्ष्यों की योजना बनाने का अवसर प्रदान करती है। तो यह हमारा कल का प्रश्न था दोस्तों आपके लिए। कुटुंब श्री क्या है? कुटुंब श्री एक स्वयं सहायता समूह है केरल का। सभी लोगों का जवाब सही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर की क्लास। तो उसका पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? थायराइड एक ग्लैंड की बीमारी है, हार्मोनल बीमारी है वो, उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये प्रश्न है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 25 मई, 24 मई, 23 मई, 22 मई। तो दोस्तों सही जवाब है 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस प्रत्येक वर्ष 25 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य थायराइड निदान, उपचार और रोकथाम के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। आज के समय में थायराइड एक बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है, जो कि सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है आज का, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, 23 मई, 24 मई, 25 मई और 26 मई। तो दोस्तों इसका भी जवाब है 25 मई। 25 मई को अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए चिन्हित किया जाता है जो लापता हैं और जो बाद में मिल गए हैं, पाए गए हैं। अमेरिका में 1980 में गुमशुदा दिवस शुरू हुआ। 25 मई 1979 मानी 1979 को न्यूयॉर्क शहर से इतन पॉड्स के लापता होने के बाद इस तारीख को चुना गया था। 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में नामित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में सेंगोल, सेंगोल हाल ही में काफी चर्चा में है, ये क्या है? चार ऑप्शंस हमारे पास, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, विदेशी राज्य द्वारा दिया गया उपहार है, तानाशाही का प्रतीक है, या इनमें से कोई नहीं है। सेंगोल क्या है, यह हाल ही में काफी चर्चा में है। तो सेंगोल एक राजदंड है जिसका आप चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। सेंगोल राजदंड महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारत के उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दिया गया था।
जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अधिकार सौंपने का प्रतिनिधित्व करता था। तमिल शब्द सेम्मई से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है उत्कृष्टता। सेंगोल शक्ति और अधिकार के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल जब भारत को आज़ादी मिली तो माउंटबेटन ने पंडित जी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि आपको सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में क्या दिया जाए। तब सी राजगोपालाचारी ने सुझाया था कि सत्ता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण के लिए सेंगोल राजदंड का उपयोग करने का विचार तब उभरा जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक उपयुक्त प्रतीक के बारे में पूछताछ की। भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से सलाह लेते हुए राजगोपालाचारी ने ही सेंगोल राजदंड के उपयोग का सुझाव दिया था। चोल वंश में, दरअसल सेंगोल राजदंड चोल वंश का देन है, उस समय उसका निर्माण हुआ था। चोल वंश में इसी तरह के एक समारोह से प्रेरित होकर, जहां राजाओं के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता था, राजा जी माने सी राजगोपालाचारी जी का मानना था कि सेंगोल भारत के लिए एक उपयुक्त प्रतीक होगा। अच्छा, इसमें सत्ता के हस्तांतरण समारोह के दौरान नए शासक को राजदंड की प्रस्तुति के अलावा तमिल में अनाई नाम का एक आदेश दिया गया था। यह आदेश क्षेत्र में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने, धर्म के सिद्धांतों के अटूट पालन के साथ शासन करने की जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसको वुम्मदी बंगारू चेट्टी ने तैयार किया था। सेंगोल राजदंड को जीवंत करने के लिए चेन्नई स्थित ज्वेलर्स वुम्मदी बंगारू चेट्टी ने इस ऐतिहासिक प्रतीक को तैयार करने का काम किया। उन्होंने सावधानी से 5 फुट लंबे राजदंड को डिजाइन किया, जिसमें दिव्य बैल नंदी, उसके ऊपर जो राजदंड की जो मुठिया है, मूठ है, उसके ऊपर नंदी की राजसी आकृति बनी हुई है। उसकी विशेषता थी, नंदी न्याय का प्रतीक है, जो न्याय और निष्पक्षता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के तंजौर जिले में एक धार्मिक निकाय के 3 पुजारियों के रूप एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया, जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ सेंगोल राजदंड था। इस समारोह ने अंग्रेजों से एक स्वतंत्र भारत में सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित किया, जिसमें नेहरू को सेंगोल प्राप्त हुआ और यह देश की नई संप्रभुता का प्रतीक था। हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने सुझाया कि जो राजदंड जो वर्तमान में इलाहाबाद म्यूजियम में रखा हुआ है, उसको वहां पर न हो करके संसद में होना चाहिए, और इसी वजह से यह सेंगोल वर्तमान में काफी चर्चा में आया। हमने इसके इतिहास के बारे में जाना। यह चोल साम्राज्य का में इसका प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लास्ट कंफर्ट वुमन का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थी? तो पहले तो हम देश जान लें, फिर हम बताएं आपको कि लास्ट वुमन कंफर्ट है क्या। तो 4 ऑप्शंस हैं, ताइवान, चीन, कोरिया और अमेरिका। तो सही जवाब है मित्रों, ताइवान। लास्ट कंफर्ट वुमेन जिनका निधन हुआ वो ताइवान से संबंधित थी। आइए जान लेते हैं। ताइवान की अंतिम ज्ञात कंफर्ट वुमन के हाल ही में निधन ने इन महिलाओं के ऐतिहासिक महत्व और उनकी कहानियों को संरक्षित करने और स्वीकार करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है। ताइवान की अंतिम ज्ञात कंफर्ट वुमेन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब उन्हें इंपीरियल जापानी सेना के लिए कंफर्ट वुमन बनने के लिए मजबूर किया गया, तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनकी निजता का सम्मान करने और गरिमापूर्ण अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने के लिए उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।
कंफर्ट जो स्टेशन भी बनाए गए थे उनकी उत्पत्ति क्या है? नॉन किंग नरसंहार के दौरान जापानी सैनिकों द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कारों में से सैन्य वेश्यालय या आराम स्टेशन सेना के लिए जो महिलाएं उपलब्ध कराई जाती थीं वेश्यावृत्ति करने के लिए और उनके लिए जो जगह बनाई जाती थी उन्हें आराम स्टेशन कहा जाता था। आराम स्टेशनों की स्थापना शुरू हुई। प्रारंभ में जापानी वेश्याओं ने स्वेच्छा से यह काम किया, लेकिन जैसे ही जापानी सेना ने अपने कार्यों का विस्तार किया, कोरिया, ताइवान और चीन जैसे कब्जे वाले क्षेत्रों की महिलाओं को यौन सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया। अनुमान बताते हैं कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों सहित सैकड़ों हजारों महिलाओं को आराम महिलाओं के रूप में पीड़ित किया गया था। इन महिलाओं ने अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया और उनकी कहानियां मान्यता और स्मरण की पात्र हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ? चार ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, लखनऊ में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूटी खादर किस राज्य विधानसभा के पहला मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए? तो अभी अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आप जानते हैं कर्नाटक में हुए हैं। तो कर्नाटक में ही पहला मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को चुना गया। यह है यूटी खादर, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सौरभ गांगुली जो पूर्व क्रिकेट कप्तान है, इंडियन क्रिकेट कप्तान, को किस शहर के टूरिज्म ब्रांड का एम्बेसडर चुना गया? चार ऑप्शंस हैं, त्रिपुरा, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो मित्रों त्रिपुरा, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया? अभी G20 की संपन्न हुआ, उसी में ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहां सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक हैरिस पार्क एक सड़क है, और तो उसका नाम बदलकर उन्होंने लिटिल इंडिया रख दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हैके दुख सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हैके ने दुख सूचकांक जारी किया है, उसमें से कौन सा देश सबसे शीर्ष पर रहा? चार ऑप्शंस हैं, जिम्बाब्वे, सूडान, जॉर्डन और मोरक्को। तो सही जवाब है दोस्तों जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे हैके सूचकांक के अनुसार दुख सूचकांक में सबसे ऊपर रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है? हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है? चार ऑप्शन है दोस्तों, सोनू सूद, अक्षय कुमार, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही जवाब है सोनू सूद। ये फिल्म अभिनेता हैं, आप इन्हें बेहतर जानते हैं, आइए इनका एक चित्र भी देखते हैं। यह सोनू सूद, इनको जयपुर एपेक्स जयपुर यूनिवर्सिटी ने मानद उपाधि प्रदान की है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ई लुकास जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? चार ऑप्शंस है हमारे पास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। तो दोस्तों वो एक अर्थशास्त्री थे, वो अर्थशास्त्र से जुड़े थे, रॉबर्ट ई लुकास। यह है रॉबर्ट ई लुकास, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में निधन हो गया है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट ई लुकास का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह शिकागो विश्वविद्यालय में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। आर्थिक विज्ञान में 1995 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता डॉक्टर लुकास माइक्रो इकोनॉमिक्स में तर्कसंगत उम्मीदों के दृष्टिकोण, रेशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत नामक एक अवधारणा को विकसित करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम सेकंड योजना लागू करता है?
तो चार ऑप्शंस हैं, फेम सेकंड योजना कौन लागू करता है, चार ऑप्शंस हैं दोस्तों, भारतीय उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है मित्रों भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम सेकंड योजना लागू की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष में फेम सेकंड माने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया योजना के लिए परिव्यय बढ़ाने की योजना रहा है। मंत्रालय ने हाल ही में इस योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार विमर्श करने के लिए E2W निर्माताओं माने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्माताओं के साथ एक हितधारक परामर्श आयोजित किया है। हमारा ये अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए है। जैसा कि हमेशा हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न के आंसर को कमेंट्स बॉक्स में उसके जवाब देने को, तो मित्रों आपके लिए आज का प्रश्न है, ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। तो एक बार आप फिर से दोहरा लें, ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, CBI, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें आशा है बल्कि विश्वास है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। तब तक के लिए उसी प्रतीक्षा के साथ आपसे हम विदा लेते हैं और धन्यवाद देते हैं, और आप तब तक के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले दिन।